हेलो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर से कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं कर सकता। जब आप अपने मन में किसी भी संदेह को अनुमति देने से इनकार करते हैं तो किसी और इंसान के आपके ऊपर संदेह करने से आपके किसी इरादे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप बिना डरे अपने इरादों को मजबूत बनाएंगे तो कोई दूसरा नहीं है जो आपको उनके शब्दों या निर्णय से हरा देगा। जब आप अपने पर खुद विश्वास रखते हैं तब आपको अपने पर विश्वास करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरों का वास्तव में कोई हक नहीं है ये बताने में कि आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे अपनी जिंदगी में। सिर्फ आप ही ये बता सकते हैं, सिर्फ आप ही ये तय कर सकते हैं कि आप दूसरों की राय से अपने भविष्य को बनाएंगे या फिर अपने भाग्य को खुद बनाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बाधा जिसका किसी भी इंसान को सामना करना पड़ सकता है वो है अपने पे संदेह करना। अगर आप अपने सपनों का जीवन चाहते हैं तो आपको उनके लिए लड़ना होगा। आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आपको लड़ना होगा अपने अंदर के दुश्मन से, उन लोगों से जो आप पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों से जो आपके साथ गलत करते हैं, उन लोगों से जो आपको नीचा गिराते हैं। आपको लड़ना होगा अपने सबसे करीबी दुश्मनों से, लड़ना होगा आपको उनसे भी लड़ना होगा जो लोग आपके लिए अच्छा तो सोचते हैं पर हर वक्त आपको याद दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर सबसे बुरा आपके अंदर का दुश्मन है जिससे आपको युद्ध करना होगा। आपकी सोच में एक विशाल सेना की तरह रहता है, एक सेना जिसमें संदेह है, हारने का डर है, अपने पे विश्वास की कमी है और विफलता का डर है। आपको लड़ना होगा अपने अंदर की आवाजों से जो कहती हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं ये करना चाहता हूं पर नहीं कर सकता, मैं जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें कुछ देना चाहता हूं पर दे नहीं सकता, मैं किसी के प्यार के योग्य नहीं हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत कोशिश की पर दुनिया मेरे खिलाफ है, कोई भी मेरे पर विश्वास नहीं करता, मेरा जीवन जीने लायक नहीं है। अपने अंदर के दुश्मन से बड़ा आपको कोई भी दर्द नहीं दे सकता। आपके अपने विचार आपको किसी भी चीज या फिर किसी इंसान से अधिक दर्द दे सकते हैं। इन नेगेटिव विचारों की तुलना आपकी आत्मा में रहने वाले आतंकवादी से की जा सकती है, लेकिन जब आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब अपने अंदर की आवाज को अपने खिलाफ काम करने की बजाय अपने लिए पॉजिटिव तरीके से काम करा सकते हैं। इस नई सोच से आप एक सम्मोहक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा भविष्य जिसको आपको हासिल करने पर गर्व होगा। आप ऐसा कर सकते हैं ना केवल लक्ष्य बना के बल्कि सार्थक लक्ष्य बना के, ऐसा लक्ष्य जो हर सुबह जागने पे आपको उत्साह से भर दे। ये समझें कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है और उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। को बहुत अच्छा महसूस करने का हक है क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, पर इसके लिए आपको वचन लेना पड़ेगा, वचन लेना पड़ेगा हर दिन अपने लिए अभ्यास करने के लिए। जीवन में ऐसे कार्यों को समाप्त कर दीजिए जो आपका बहुत समय नष्ट करते हैं और उससे कुछ लाभदायक नहीं मिलता है, उन्हें बदल दीजिए अपने रोज के कामों से जो आपका भला कर सकें। आपकी अंदर की आवाज आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उसके लिए काम करेंगे। अपने दिमाग को ताकत और आशावादी विचारों से भरें।